हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज़ ब्यूटी एंड क्रिएशंस। आज हम देखेंगे ये क्यूट से गार्टर स्टिच के वेरी इजी हैंड ग्लव्स या बेबी के मिटन भी आप बना सकते हो। तो लास्ट में आपको वीडियो में कौन से एज के लिए कितना आप फंदे डाल सकते हो, मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये लेट्स स्टार्ट, ये किस तरह से बनाया जाता है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये ग्लव्स बना के दिखाइए, तो ये आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 5 to 7 ईयर्स के बच्चे के लिए आ जाएगा। तो चलिए देखेंगे ये किस तरह से बनाया जाता है। बहुत आसान है, बिगिनर्स लेवल का है और कोई भी ये बना सकता है। निटिंग के सारे बेसिक स्टिचेस मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको वीडियो के जो आई का कॉर्नर है, कॉर्नर में एक आई का लिंक है, वहाँ पे मैं आपको लिंक डाल रही हूँ। वीडियोज आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिया है ओसवाल का नॉर्मल ऊल। ये थोड़ा सा मोटा है तो इसीलिए मैंने लिया है 9 नंबर नीडल्स। 9 नंबर के नीडल्स मैंने लिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। ये अराउंड 5 to 7, 7.5 ईयर्स के बच्चे के लिए आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 34 स्टिचेस। ये लॉन्ग टेल कास्ट ऑन में कर रही हूँ। 34 स्टिचेस हम डालेंगे। अगर आप पतला ऊन ले रहे हैं और 10 नंबर की सिलाई ले रहे हैं तो आप 36 भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं 34 स्टिचेस डाल रही हूँ। 34, 36 या 38 भी, आप अगर बहुत पतला ऊन है तो 36 या 38 भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 34 स्टिचेस डाल रही हूँ। मैंने स्लिप नॉट कर दिया है फंदे। इस तरह से हम फंदे किस तरह से डालना है मैं आपको वीडियो के कॉर्नर में जो आई का लिंक है, निटिंग के बेसिक सारे स्टिचेस और पैटर्न्स के जो ट्यूटोरियल है वहाँ उसका लिस्ट में डाल रही हूँ। आप चाहे तो एक बार ज़रूर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 34 स्टिचेस पूरा करूँगी। यहाँ पे मैंने टोटल 34 स्टिचेस डाल लिए हैं। अभी एक यहाँ पे नॉट में लगा दूंगी ताकि ये लूज ना हो जाए। अब हम वन बाय वन रिब डाल रहे हैं। आप यहाँ पे रिबिंग जो है मैंने वन बाय वन एक उल्टा एक सीधा का रिब डाला है। आप चाहे तो 2 by 2 या 3 by 1 या सीड स्टिच या नॉर्मल गार्टर स्टिच कुछ भी आप डाल सकते हो, क्योंकि ये गार्टर स्टिच का ही हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप 1 by 1, 2 by 2 या सीड स्टिच का आप डालिए, लेकिन सीड स्टिच से बेटर आप यहाँ 1 by 1 या 2 by 2 या 3 by 1 का ही रिब डालिए। ये बेसिक कोई भी बना सकता है, बहुत ही आसान है बनाने में। तब अब हम रिबिंग स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट स्टिच मैंने यहाँ पे उतार लिया, ये हम सीधा स्टिच काउंट करेंगे। नेक्स्ट स्टिच हम धागा आगे लेके पर्ल स्टिच करेंगे, उल्टा स्टिच, ये पर्ल, फिर नेक्स्ट धागा पीछे लेके नीट, सीधी सिलाई, धागा आगे करके पर्ल स्टिच। इसी तरह 1 by 1 हम रिब कर रहे हैं, एक सीधा, एक उल्टा, ये पूरा रो हम इसी तरह करेंगे। 1 knit 1 purl, ये रो में पूरा इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। ये फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ देख सकते हो आप लास्ट स्टिच, ये यहाँ पे पर्ल स्टिच है। तो ये पर्ल स्टिच यहाँ पे निट स्टिच हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट ये उल्टी सिलाई है, यहाँ पे टर्न होने के बाद ये सीधी सिलाई बन जाएगी। तो ये हम फर्स्ट स्टिच सीधी सिलाई इसी तरह उतार लेंगे, फिर धागा लेके नेक्स्ट हमारा ये पर्ल स्टिच उल्टी सिलाई है तो ये उल्टी बनेगी, और नेक्स्ट सीधी है तो सीधी बनेगी। यहाँ पे उल्टा सिलाई है, जो जिस तरह दिखता है उसी तरह हम करते जाएंगे। knit 1 purl 1, अराउंड 2 इंच हम 1.5 to 2 इंच, आपको जितना चाहे उतना लंबा ये आप बॉर्डर बना सकते हो। जी हाँ, आपको जितना लंबा चाहिए, एक लोगों को लंबा चाहिए रहता है, शॉर्ट चाहिए, तो जितना आपको मर्जी है वहां उतना आप लंबाई ये बुन सकते हो। ये मैं अराउंड 2 इंच तक बुनने के बाद आपको दिखाती हूँ।
यहाँ हमने बॉर्डर अभी अराउंड 2 इंच तक 1x1 का रिब हमने बुन लिया है, आप देख सकते हो। अब हम गार्टर स्टिच करेंगे। गार्टर स्टिच मतलब दोनों तरफ सीधी सीधी बने। फर्स्ट स्टिच हमने उतार लिया, सेकंड स्टिच से हम सीधी सीधी सिलाई, सीधी साइड पे भी और राइट साइड पे भी और रॉन्ग साइड पे भी, दोनों साइड पे हम इसी तरह सीधी सिलाई करते जाएंगे तो हम गार्टर स्टिच बुनेंगे। ये पूरा स्टिच हमें इसी तरह, ये राइट साइड है, ये लास्ट स्टिच पे हूं मैं। अब हम राइट साइड का एक रो फिनिश कर दिया है। अब रॉन्ग साइड हमने वर्क को टर्न कर लिया, यहाँ पे भी हम फर्स्ट स्टिच उतारेंगे और नेक्स्ट स्टिच हम सीधा सीधा बुनते, दोनों तरफ हम इसी तरह सीधे सीधे स्टिच बुनेंगे। इसको हम गार्टर स्टिच कहते हैं। तो इसी तरह हम, अब ये फर्स्ट रो हो गए, अब सेकेंड रो पे हैं हम। इसी तरह हमें फोर्टी सिक्स रोज हमने बुनना है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये जो हाथ का यहाँ से शुरू होता है, तो अब जिसके लिए भी आप बनाना चाहते हो, इस टिप तक आपको सीधा सीधा बुनते जाना है। और लास्ट का जो इतना हाफ इंच तक जो बचता है, वहां पे हम डिक्रीज करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप प्लेन गार्टर स्टिच का आप यहाँ तक इस उंगली के साइज तक आप बुनते जाइए सीधा सीधा। अराउंड यहाँ पे मैंने अराउंड 6 इयर्स के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ, सॉरी 7 इयर्स के बच्चे तक, 5 to 7 ईयर बच्चे तक ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक 46 रोज डाला है, यानी इस तरह का जो एक लाइन बनता है, ये 2 रोज का एक लाइन बनता है। तो इस तरह से मैंने 23 रोज मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, 23 लाइन्स मतलब 46 रोज यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक डाले हुए हैं। सो यहाँ पे 23 लाइन्स या 46 रोज तक हम बुनने के बाद हम देखेंगे ये किस तरह से यहाँ पे इस तरह से राउंड किया जाएगा, और बाकी का हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हमने 23 लाइन्स या 46 रोज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये जो टॉप पार्ट है वो हम करेंगे। अब हम चाहे तो आप 23 यही सेम आप अभी 6 रोज आप कंटिन्यू कर दीजिए, और बाद में आप इन बिटवीन इस तरह से आप सुई से धागा करके इस तरह से आप रैंडम करके धागा निकाल के आप इस तरह से श्रिंक भी कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गाटी गाटी आ जाती है, फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है। तो ये इस तरीके से आप अगर रिड्यूस करते जाओगे तो फिनिशिंग, और ये आप देख रहे हो सर्कल, ये इस तरह से नीट से सर्कल आ जाएगा। तो अब हम ये 2 का 1 करते जाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह से 2 का 1 करेंगे एंड तक हम नेक्स्ट के एवरी 2 स्टिचेस ये पूरा लाइन में इसी तरह से करेंगे। सीधी साइड हमने 2 का 1 कर दिया, अब टर्न करेंगे रॉन्ग साइड पे, सारे स्टिचेस हम सीधी सीधी बुन लेंगे। एक उतारा हमने, सारे स्टिचेस हम सीधा बुनेंगे। सारे स्टिचेस हमने सीधा बुन लिया है, फिर हम राइट साइड पे आ गए हैं, फिर हम 2 का 1 करते जाएंगे। इसी तरह हम दो का एक करेंगे पूरे लाइन, फिर हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं टर्न करके,
फिर हम इन सभी स्टिचेस को सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए इन सारे स्टिच अब लास्ट राइट साइड पे आ गए हैं। इतने स्टिचेस हमारे बच गए हैं, ये भी हम दो का एक करेंगे। टोटल हमने 3 टाइम डिक्रीज किया, फंदे को घटाया हमने। फिर रॉन्ग साइड पे हैं हम, ये हमने फर्स्ट उतारा धागा पीछे लेके सारे स्टिचेस हम सीधे सीधे बुन लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे हार्डली 5 to 6 स्टिचेस, 5 स्टिचेस ही मेरे बच गए हैं। अब हम सिलने के लिए धागा कट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से आप यहाँ तक नाप लीजिए और इस यहाँ कितना बनता है, यहाँ से यहाँ तक नाप के उससे डबल थोड़ा सा ज्यादा आप सिलाई करने के लिए धागा कट कर लीजिए। सुई में हमने धागा डाल लिया है। अब हम आप यहाँ देख सकते हो ये पर्ल स्टिच है फर्स्ट वन, तो अब हम सारे स्टिचेस के अंदर में से सुई डाल रहे हैं। तो इस तरह से हमने सुई डाल के इसको राउंड कर दिया, आप देख सकते हो इधर ये हमारा सीधी तरफ है। तो हम यहां से इस तरह से उल्टा करेंगे और फर्स्ट हम ये जो राउंड यहाँ पे हम सिक्योर कर लेंगे ताकि ये निकले ना, और फिर हम 3-4 सिलाई इसी राउंड में हम डालेंगे ताकि ये राउंड निकले ना, क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ा सा कट गया ऊन तो पूरा उलन ये ग्लव्स निकल सकता है। तो नेक्स्ट रो पे भी हम अंदर अंदर से एक राउंड इसी तरह से हल्के से हम आ जाएंगे और हम नेक्स्ट यहाँ पे उसको इस तरह से एक नॉट हम कर देंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। आप देख सकते हो इधर राउंड आ गया है। अब हम यहां से यहां तक पूरा सिल देंगे। चाहे तो आप क्रोशिया का हुक यूज करके भी आप सिंगल क्रोशिया कर सकते हो, वो भी नीट बन जाएगा। मैं यहाँ सिलना पसंद करूंगी क्योंकि सिलना थोड़ा काफी स्ट्रांग रहता है। यहां से एक नहीं तो आप दोनों भी इस तरह से आप इस तरह से पूरा यहां से यहां तक इतना हम जोड़ेंगे कि आप देख लीजिए हाथ इस तरह से रखिए। किसी के लिए भी आप बनाते हो तो एग्जैक्ट यहाँ आप देख सकते हो यहाँ तक है ये, एंड थम किस जगह पे आएगा वहां पे आपको गैप रखना है। मैं यहाँ से यहाँ तक सिलूंगी, फिर धागा ऊपर के लेयर से यहाँ यहाँ लाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मैं यहाँ से यहाँ तक सिलते हुए एग्जैक्ट इस पॉइंट में आ गई हूँ। दोनों हमें एग्जैक्ट सेम चाहिए तो गैप यहाँ से यहाँ तक ये अंगूठे का गैप है, थंब गैप। तो मैं यहाँ धागा नहीं कट करूंगी, यहाँ मैं एक इस तरह से यहीं पे एक नॉट डाल के इसी के अंदर से मैं एंड तक धागे को लेके आऊंगी। फिर बाद में यहाँ पे जो है यहाँ पे एक नॉट लगाऊंगी मैं। और यहां से यहां तक अगेन नॉर्मल में सिलती जाऊंगी यहां से यहां तक।
अब बाकी जितना भी ऊन बचा है आप इस तरह से अंदर लेके इसको बंद कर लीजिए। अब हम थंब पार्ट करेंगे, फिंगर का पार्ट बना रहे हैं। इसके लिए हमने ये गैप छोड़ा था, तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। इस तरह से हम काउंट करके सराउंड कितना, ये राउंड में कितने स्टिचेस बनते हैं उतना हमें फंदे डालने हैं। यहाँ पे मैंने 15 फंदे डाला हुआ है, आप चाहे तो 12 फंदे भी डाल सकते हो। थोड़ा मैं ये बड़ा बन और लूज बना रही हूँ ये फिंगर, तो यहाँ पे आप 12 भी डाल सकते हो, 13 या 15। अब जितना इतना यहाँ पे फंदे बनते हैं उतना काउंट करके आप उतने फंदे डालिए। यहाँ पे मैंने 15 फंदे डाल के 13 लाइंस डाले हैं, मतलब 26 रोज। यहाँ पे मैंने 1 2 3 इस तरह से 13 लाइंस डाले हैं, या 26 रोज। अब हम सेम यहाँ पे जिस तरह से हमने घटाया था उसी तरह हम 2 का 1 करेंगे, उल्टी सिलाई पे हम सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर हम इस तरह से क्लोज करके जहाँ हम इस तरह से हमने क्लोज किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे सारे स्टिचेस इस तरह से, एंड ये राइट साइड है, रॉन्ग साइड पे फिर सीधी सिलाई, फिर एक बार घटाएंगे। इसी तरह हम घटाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो 4 स्टिचेस ये बच गए हैं, तो यहाँ पे हम पहले की तरह 4 स्टिचेस को हम इस तरह से लेके हम इसको क्लोज कर लेंगे। काफी मैंने लंबा छोड़ा हुआ है, और इसी तरह हम जिस हम यहाँ से यहाँ तक किया था उसी तरह सेम हम यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक सिल लूंगी। यहाँ पे ये उल्टी तरफ है, यहाँ पे हमने सिलाई डाला था, ये इसी तरह रखेंगे, और ये जो हमने यहाँ पे सिलाई डाला है ये उल्टा तरफ है। तो अब हम इसको अंदर से बाहर इस तरह से सीधा कर लेंगे फिंगर को। अब हम इसको इस होल के अंदर, ताकि ये सिलाई बाहर ही आ जाए इसीलिए इसको सीधा करने के बाद होल के अंदर डालेंगे। एग्जैक्ट होल को इस तरह से अटैच करते हुए हम, आप देख सकते हो इधर ये जो राउंड है दोनों को मिला के हम, आप ये जो सिलाई है यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से एग्जैक्ट कॉर्नर देखिए, यहाँ से इन दोनों को एजेस में इस तरह से आप जोड़ते जाइए। ये मैं यहाँ से यहाँ तक दोनों दोनों को मैं जोड़ के यहाँ से यहाँ तक मैं जोड़ लूंगी। ये हमने सिल दिया है यहाँ पे एज पे, अब हम इनको सीधा कर रहे हैं अंदर से बाहर। ये हमारे ग्लव्स दोनों हाथों के रेडी हो गए हैं बिल्कुल। ये जो ग्लव्स रेडी हो गए हैं अभी, बहुत ही आसान है बिगिनर्स के लिए, किसी के साइज में भी आप बना सकते हो। ये मैंने 5 to 7, 7.5 इयर्स बच्चे के लिए भी आ जाएगा ये। अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ, ये आप 0 to 3 मंथ्स के लिए 20 to 22 फंदे डाल सकते हो यहाँ से, एंड 3 to 6 मंथ के लिए 24 to 26 स्टिचेस, 6 मंथ्स to 1 ईयर के लिए 28 स्टिचेस, 1 to 3 ईयर्स के लिए आप 28 to 30 स्टिचेस डाल सकते हो, एंड 3 to 6 ईयर्स के लिए 30 to 32 स्टिचेस, 5 to 7 ईयर्स के लिए आप 34 या 36 स्टिचेस डाल सकते हो, 10 ईयर्स अबो आप 48, 38, 40, 42 इस तरह से स्टिचेस आप डाल सकते हो। ये मैंने 9 नंबर के 9 नंबर नीडल एंड थोड़ा सा थिक ऊन लिया है, तो यहाँ वो भी आप ध्यान में रखिए। अगर आप 10 नंबर और नीडल 10 नंबर नीडल एंड थिन ऊल आप ले रहे हैं तो फंदे थोड़ा बढ़ भी सकते हैं, ज्यादा लग सकते हैं। तो ये था साइज चार्ट, एंड ये है ग्लव्स। एक सब्सक्राइबर ने मुझे रेडी करने के लिए, वीडियो डालने के लिए रिक्वेस्ट की, तो मैंने रेडी किया है आज। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद लगे, तो ज़रूर आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स।
Thanks for watching. Take care and bye.